आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप रोज सुनते हैं अद्भुत कहानियां एक अनोखे अंदाज में। आज की कहानी है पानी से भरे हुए एक गिलास की। एक बार एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर छात्रों से भरे एक सभागार में स्ट्रेस मैनेजमेंट के सिद्धांतों को मंच पर घूम घूम कर पढ़ा रहे थे। तभी उन्होंने एक पानी से भरा हुआ गिलास उठाया। सभी छात्रों को उम्मीद थी कि उनसे वही पुराना प्रश्न, वही सवाल पूछा जाएगा कि गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा है, पर हुआ उल्टा। उसके बजाय मुस्कुराते हुए प्रोफेसर ने एक अलग ही प्रश्न पूछा, मेरे हाथ में जो पानी से भरा गिलास है वो कितना भारी है? छात्रों ने अपने अंदाज से गिलास का अलग अलग वजन बताया। तब प्रोफेसर ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस गिलास का कुल भार कोई माने नहीं रखता। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कब तक पकड़ के रह सकता हूं। अगर मैं इसे एक या दो मिनट के लिए पकड़ता हूं तो यह गिलास काफी हल्का लगेगा। अगर मैं इसे एक घंटे के लिए पकड़ता हूं तो इसका वजन मेरे हाथ में दर्द उत्पन्न कर सकता है। अगर मैं इसे सीधा एक दिन के लिए पकड़ता हूं तो मेरी बांह में ऐंठन हो जाएगी और पूरी तरह सुन्न होकर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे लकवा मार गया है और मुझे फर्श पर ग्लास को हाथ से गिराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तुम लोगों ने देखा कि प्रत्येक मामले में ग्लास का वजन नहीं बदला, लेकिन जितना अधिक समय तक मैंने इसे पकड़ के रखा ये मुझे उतना ही भारी लगा। कक्षा ने सहमति में अपना सर हिलाया। तब टीचर ने कहा, आपके जीवन में तनाव और चिंताएं पानी से भरे हुए इस ग्लास की तरह हैं। उनके बारे में कुछ देर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। उनके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, और दिन भर उनके बारे में सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे तब आप पूरी तरह से सुन्न और अपंग महसूस करेंगे। कहानी खत्म। आइए देखें क्या गहरी बात कह गई यह अद्भुत कहानी। यही कि आप हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप हमेशा यह तो नियंत्रित कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें समाधान की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बजाय उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिमाग की परिपक्वता की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है इससे तनाव नहीं आता है। तनाव आता है आपके विचारों से, आपके लगातार सोचने से कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। उम्मीद है तनाव मुक्त करने की ये कहानी ने आपको आपके मन के दरवाजे पर दस्तक दी होगी, कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अगली बार एक और अद्भुत कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में। एक मिनट, लगता है आप लोगों को कहानियों में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था, वरना कोई वजह नहीं कि आप इनकी चर्चा उतना क्यों नहीं कर रहे जितना कि आप पहले करते थे। एनीवे, अगली बार एक और कहानी, एक और फलसफा, एक और सबक।